हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज अपर सर्किट लगा तो आप थोड़े से खुश होंगे आज, क्योंकि लगातार गिर रहा था ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर और सब लोग परेशान थे। बट आज हमारी परेशानी दूर कर दी थोड़ी सी ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर ने और आज अपर सर्किट में क्लोज हुआ। आज 76 पे ओपन हुआ था एंड थोड़ा बहुत जिगजैग ऊपर नीचे हुआ, बट बाद में लगातार ऊपर जाते हुए अपर सर्किट में क्लोज हुआ दोपहर तक, आफ्टरनून तक, और उसके बाद अपर सर्किट में ही रहा। और अगर आप देखोगे तो जब मार्केट क्लोज होने को था, जब भी अराउंड 13 लाख शेयर्स बाइंग को लगे हुए थे पर सेलर्स नहीं थे। BSE पे आज अराउंड 4,40,000 शेयर्स ट्रेड हुए और NSE पे अराउंड 21 लाख, सो ऑल टुगेदर अराउंड 25 लाख शेयर्स ट्रेड हुए BSE और NSE मिलाकर ब्राइटकॉम ग्रुप के, जो कि वॉल्यूम कम था। वॉल्यूम इसलिए कम था कि सेलर्स नहीं थे, बायर्स ज़्यादा थे, तो अपर सर्किट में क्लोज होने के कारण वॉल्यूम इसमें कम देखने को मिला। मतलब फिर से 76 के लेवल से फिर से इसमें ज़बरदस्त बाइंग आई। मैंने आपको बताया था 80 का स्ट्रांग सपोर्ट था, बट 80 का सपोर्ट तोड़ के नीचे गया था। बट आज पॉजिटिव बात अगर देखेंगे तो IT इंडेक्स जो था आज वो ऊपर था, उसका भी बेनिफिट मिला ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर को। प्लस ओवरऑल निफ्टी और सेंसेक्स भी आज वो प्लस में थे, तो उसका भी कारण आज हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली फिर से ब्राइटकॉम ग्रुप में और अपर सर्किट में क्लोज होते हुए मिला। तो काफ़ी लोग रिलीफ में होंगे, काफ़ी लोग एक खुश होंगे कि फिर से आज हमें अपर सर्किट देखने को मिला ब्राइटकॉम ग्रुप में काफ़ी दिनों के बाद। फ्रेंड्स देखिए, बोनस जहाँ तक बोनस का सवाल है तो बोनस आप में से कितने लोगों को मिला है कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का दिन भी गया, मुझे तो बोनस आज नहीं मिला है। कल का आखिरी ट्रेडिंग डे है, फ्राइडे है, बाद में तो डायरेक्ट मई ही आ जाएगा मंडे को। तो जैसे कंपनी ने बार बार कहा है अप्रैल एंड तक आ जाएगा, ट्रांसफ़र एजेंट्स ने भी कहा अप्रैल एंड तक आ जाएगा, और उसके अलावा डीमैट अकाउंट के जो हमारे कंपनीज है वो भी बोले थे अप्रैल एंड तक आ जाएगा, पर अभी तक नहीं आया है। तो अब लगता यही है कि अगर कल बोनस नहीं मिला तो सीधा बात जाएगी मई के अंदर। मुझे मैनेजमेंट की एक बात थोड़ी गलत लग रही है कि उन्होंने एक्चुअली एक इंटीमेशन या नोटिफिकेशन जारी करके लोगों को बताना चाहिए कि बोनस इशू होने में डिले क्यों हो रहा है और कब तक मिलेगा। भले ही वो बताए आप हम लोगों को कि 10 मई तक मिल जाएगा, 15 मई तक मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट रीज़न डिले हो रहा है, कि भाई प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू का काम चल रहा था, उसके बाद अभी ये काम शुरू हो रहा है तो इतने दिन लगेंगे, ऐसा बोल देंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन्वेस्टर्स लोगों के मन में। क्योंकि ये बोनस में जो डिले हो रहा है उसके कारण भी काफ़ी नाराज़ी है और एक माहौल गलत बन गया है मैनेजमेंट के बारे में, या बोलो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैनेजमेंट को कुछ करना नहीं है, एक छोटा सा नोटिफिकेशन जारी कर दे कि बोनस डिले के मिलने में डिले क्यों हो रहा है और कब तक मिल सकता है, ऐसा कर देंगे तो काफ़ी लोगों का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को आज बोनस इशू हो चुका होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको बोनस मिला होगा तो उसमें बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। अब सवाल यह है कि अगला ट्रिगर क्या रहेगा। AT के आगे और सब अपर सर्किट मारता है तो फिर तो ये फिर से रॉकेट बनने की तैयारी में हो जाएगा ब्राइटकॉम ग्रुप। और Q4 का रिजल्ट का डेट अभी तक आया नहीं है, बट अगर वो डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद में भी हमें तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर में। तो Q4 का रिजल्ट का डेट अभी जल्दी डिक्लेयर होने की उम्मीद है। हो सकता है जनरली सैटरडे संडे को कंपनी डिक्लेयर करती है कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन, तो उसमें आ जाएगा, तो उसके कारण भी काफ़ी हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर में। फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं कोई भी शेयर चलने के लिए या गिरने के लिए। IT सेक्टर ओवरऑल ही वर्ल्ड मार्केट में गिर रहा था तो वो भी एक रीज़न था गिरने का, बट आज IT इंडेक्स भी अप था, मार्केट भी अप था, तो उसके कारण हमें फिर से ब्राइटकॉम ग्रुप में तेज़ी देखने को मिली है। कल भी अगर मार्केट पॉजिटिव रहेगा तो कल भी हम इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए 122 रुपीज़ का जो 52 वीक हाई था उससे अभी काफ़ी डिस्काउंट में ये शेयर मिल रहा है। इवन 70 से लेके 80 रुपीज़ का जो रेंज है वो भी काफ़ी अच्छा लेवल माना जाएगा ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए, जो कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं उन लोगों के हिसाब से। तो इसीलिए आज आपने देखा कि 76 के लेवल पे अच्छी खासी बाइंग आ गई और देखते ही देखते शेयर 80 रुपीज़ पे पहुंच गया। तो आने वाले दिनों में अभी Q4 का भी एक काफ़ी बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है जिसके कारण हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर में। तो अभी कुछ दिन इंतज़ार करना है, 15 मई के पहले तो कंपनी को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा Q4 का रिजल्ट, तो 2-4 दिन में हमें डेट भी मिल जाएगी और उसके बाद में फिर से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और अगर कंपनी की तरफ से बोनस के बारे में कुछ आया नोटिफिकेशन तो ज़रूर आपको को बताऊंगा मैं। और अभी देखते ये है कि अभी कल के दिन अगर बोनस नहीं मिला तो बात जाएगी सीधा मई में, तो मई में हो सकता है 5 या 10 मई तक भी मिल सकता है। अभी कल देखते हैं कितने लोगों को बोनस मिलता है, तो कल पता चलेगा बोनस मिला है या नहीं है।
तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। आप बताइए कमेंट करके, आपने आज बाइंग किया या सेलिंग किया, या आपका टारगेट क्या है, या अभी ये 100 के आसपास जाएगा कि फिर से 70 को टच करेगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।